हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे आपको पता है कि आज 12th क्लास का मैथमेटिक का पेपर था और अभी मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक के बारे में बता रहा हूं। अप्लाइड मैथमेटिक में एक ही सेट आया था, 4, 6, 5, 1, 4, इसकी आंसर की मैं आपको शो करने वाला हूं। ठीक है, तो आप चलिए देखते रहिए। यहाँ पे है पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड का भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स का सी ऑप्शन करेक्ट है, सिक्स का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर एट का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टेन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का भी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है और 15 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 23 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 24 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 25 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं 26 पे। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 27 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 29 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है और 30 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 31 पे, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है 31 का। 32 पे चलते हो, 32 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 33 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं 34 पे, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 36 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 36 का 37 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 38 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका 38 के बाद 39 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 39 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 41 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 43 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 44 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और 45 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 46 पर। 46 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 47 पे चलते हैं, 47 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 49 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 49 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया और 50 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन के आंसर है। इसमें आपको सेकंड नहीं है, यानी कि सेकंड सेट नहीं था, इसमें एक ही सेट था। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।